गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के भाजपा के नवनिर्वाचित एमएलसी सीपी चंद ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि मैं अपनी जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं को दूंगा, जिन्होंने दिन रात लगकर मेरे लिए हर क्षेत्र में प्रचार किया। इसके साथ ही गोरखपुर महाराजगंज के जनप्रतिनिधियों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में कुछ ऐसा काम रह गया था जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मंशा है कि पंचायतों को ज्यादा सहायता दी जाए, जिसको इस कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितने भी मतदाताओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वहीं इस संबंध में सपा प्रत्याशी रजनीश यादव ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी सीपी चंद को चुनाव जीतने की बधाई देता हूं कि जिस तरह से मतदाताओं ने उनके पक्ष में मतदान किया है और उनको बहुत बड़ी जीत मिली है, उसी तरह से जनता के लिए कार्य करेंगे, ग्राम पंचायत के लिए काम करेंगे और जो जनादेश मुझे मिला है उसी तरह से मैं दोबारा जनता की सेवा में लगकर कार्य करूंगा। हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि मुद्दों को लेकर चुनाव में एक दूसरे के प्रति बयानबाजी होती है, लेकिन व्यक्तिगत आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सभी लोगों को प्रेरणा देगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के सपा प्रत्याशी रजनीश यादव और भाजपा के नवनिर्वाचित एमएलसी सीपी चंद ने कहा, आप भी चुनाव लड़ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? तो सब चुनाव वो जीत गए हैं, तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। हमारी मुझे आशा है, उम्मीद है कि वो जनता जो जनादेश उन्हें मिला है उसके हिसाब से वो जनता की सेवा करने का काम करेंगे। जो जनादेश हमें मिला है, प्राप्त जनादेश के अनुसार हम भी जनता की सेवा में पूरे मनोयोग से लगे रहेंगे। हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि मुद्दों को लेकर तीखा संघर्ष किया जाता है लोकतंत्र में, लेकिन व्यक्तिगत कटुता नहीं होनी चाहिए। इसकी मिसाल पेश किया हम लोगों ने, जो लोग राजनीति में आज व्यक्तिगत कटुता के मामलों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने उनके लिए एक सीख प्रस्तुत करने का काम किया। मैं अपनी जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को दूंगा और मैं आभार व्यक्त करूंगा गोरखपुर महाराजगंज की सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने ये विश्वास मुझे दिया। क्या ऐसा काम था जो पिछले कार्यकाल में अधूरा है जिसको पूरा किया? सबसे बड़ा जो काम अधूरा रह गया था, जिसकी पहल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, पंचायतों को ज़्यादा स्वायत्ता देने का और 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप जो है स्वायत्ता देने का, जिसकी पहल भी शुरू हो गई थी पिछली सरकार से ही, और दोबारा जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो स्वायत्ता जल्द से जल्द ग्राम पंचायतों को मिले। मतदाताओं के लिए क्या कहना जिन्होंने आपको? मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा विश्वास मुझे दिया।